जैन साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल फिट होंगे। चलिए हम बात करते हैं। कुछ भाई कमेंट्स आए थे, देखते हैं क्या कमेंट्स है ना, क्योंकि मैंने जितना भी कैंडिडेट है सबसे मैंने एक सवाल पूछा था एग्ज़ाम को लेकर, है ना, कि एग्ज़ाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए ना। तो बहुत सारे भाई का कमेंट्स आया ना, क्या जितना भी भाई हैं सब लोग अपना अपना है ना अपने अपने हिसाब से कमेंट्स वो दिए हैं। तो चलिए उस कमेंट्स के लिए ना सब किसी को धन्यवाद, जितना भी लोग हैं ना जो अपना राय व्यक्त किए हैं सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद है ना। चलिए अब बात करते हैं, हम BSPCL एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, है ना। देखिए मैं भी देख रहा हूँ बहुत सारा वीडियो चल रहा है, कुछ आदमी बता रहे हैं कि नवंबर के लास्ट में एग्ज़ाम होगा, कुछ आदमी ये बता रहे हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, कुछ आदमी बता रहे हैं जनवरी में एग्ज़ाम होगा, कुछ तो बता रहे हैं कि 25 दिसंबर के बाद एग्ज़ाम होगा ना। तो देखिए अभी जो भी आदमी जो भी बता रहा है ना, जितना भी वीडियो यूट्यूब पर चल रहा है वीडियो, है ना, उस वीडियो का चक्कर में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब तक कोई अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी एक्यूरेट नहीं बता सकता है कि वो एग्ज़ाम कब होगा ना। हाँ, एक भाई कमेंट से आया था कि कौन सी कंपनी इसका टेंडर लेगी, है ना, कौन सी एजेंसी इसका टेंडर ले रही है। तो कुछ भाई का कमेंट था कि TCS लेगी, कुछ भाई बता रहे हैं ये कि कोई प्राइवेट एजेंसी लेगी, है ना। तो देखिए अभी किसी को इस विषय में कुछ भी पता, आदमी अगर बता रहा है ना या जो भी वीडियो चल रहे हैं वो अपने आप सब लोग बना रहे हैं एक अनुमान के हिसाब से बता रहे हैं ना। तो अभी उस चीज़ में है ना ज़्यादा अंदर उस चीज़ को सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि एक्यूरेट कोई भी नहीं बता रहा कब होगा ना, किसी को भी पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, है ना। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर में तो मुश्किल ही है कि नवंबर में होगा नहीं, क्योंकि नवंबर में ना 25 से आपका LP का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है ना, तो नवंबर में तो मुश्किल ही है। और दिसंबर में मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर में भी एग्ज़ाम ये होगा, तो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि जनवरी के फर्स्ट वीक से ही ये एग्ज़ाम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा ना। तो जो भी कैंडिडेट है ना अपने तैयारी में लगे रहिए ना, ये जितना भी वीडियो ये सब चल रहा है कि अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा ना, ये अफवाह में ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। हाँ चलिए, और ALP के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरा भी एडमिट कार्ड उसमें एडमिट कार्ड बता रहा, सॉरी मेरा भी है ना मैसेज, मेरे पास भी मैसेज इसका आया था LP के लिए। तो मैं सोचता हूँ ना कि LP के लिए समय ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ये CBT 1 लेगा, फिर उसके बाद में CBT 2 लेगा, फिर उसके बाद में साइको होगा, फिर उसके बाद में मेडिकल होगा ना। तो मुझे कुल मिलाकर लग रहा है कि इसमें समय ज़्यादा चाहिए ना। तो जो भी कैंडिडेट अगर समय ज़्यादा है ना तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। हम देखते हैं, मैं भी डिसीजन लेता हूँ क्या करना, देना है नहीं देना। अभी तो मैं डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि जितना भी कमेंट्स मेरे पास आया है ज़्यादातर कमेंट्स यही आया है कि सर आप एग्ज़ाम दीजिए इसका LP का ना। तो चलिए देखते हैं, बाकी कोशिश करेंगे, बाकी जो भी BSPCL का है ना कैंडिडेट हैं वो तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे अच्छा BSPCL ही है ना, क्योंकि अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास हो जाएगा तो सबसे बेटर ये है। इसमें क्या होता है, इसका एग्ज़ाम एक ही होता है, एग्ज़ाम हो गया तो समझिए हो जाएगा, उसमें इतना ही, इसमें उतना ही एग्ज़ाम आता है ना जितना आदमी का नौकरी होना है ना। तो एग्ज़ाम आने से 95% चांस हो जाता है कि जॉब हो जाएगा। इसमें एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। LP का प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस है CBT 1, CBT 2, उसके बाद में साइको, फिर उसके बाद में मेडिकल, उसमें 4 प्रोसेस हैं। इसमें है एग्ज़ाम, उसके बाद में सीधा एग्ज़ाम के बाद में मेडिकल, है ना। तो इसका जो मुझे आसान लग रहा है, उसके बाद में ये गांव के आसपास ही मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास मिल जाएगा, तो ये मुझे सबसे बेटर लग रहा है। तो जो भी कैंडिडेट है ना तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में लगे रहिए, एग्ज़ाम 1-2 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो ही जाएगा ना, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा। देखिए दिसंबर को हो सकता है दिसंबर का लास्ट में हो जाए, 25-26 दिसंबर से स्टार्ट हो जाए, नहीं तो जनवरी आएंगे, जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा।